सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा सीरीज चल रहा है, वो हम आज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के जितने भी पॉसिबल ट्रिक्स हैं याद करने वाले हैं। और फिर से आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने किसी को फोर्स नहीं किया है, ये आप खुद चूज करोगे कि आपको कौन से चैप्टर से ट्रिक्स से पढ़ना है। क्योंकि मैं एक कॉमन एजुकेटर हूँ तो मैं सारे चैप्टर्स को बनाऊंगा, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको जब प्रॉब्लम है तो आप याद कर सकते हो, अगर नहीं प्रॉब्लम आप है तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मैंने पहले बताया है कि जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन है उनके ट्रिक्स बताएं, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं यहाँ पे और क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा मैंने जेनेटिक कोड के बारे में ट्रिक बताया है। ये जेनेटिक कोड यहाँ मिलेगा आपको आगे, ये इसका ट्रिक्स बनाया है, क्योंकि इसको भी याद करने में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को। फिर मैंने DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया है, गोल्स ऑफ SGP के वो याद करवाने करने का बताया है। ठीक है, ये सब मैंने बताया है। तो एक और चीज़ है कि जैसे कि मैंने ये बता रहा हूँ ना, तो ये मैं पहले भी वीडियो बनाया था, तो मैंने उसी को कंपाइल करके इकट्ठा कर दिया, क्योंकि ये लंबा वीडियो था कि फिर से बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने सबको कंबाइन कर दिया और इस पर अपलोड कर रहा हूँ लाइन से, जैसे बताया आपको। और ये है कि बीच बीच में मैंने एक दो बार बोल दिया है कि ये चैप्टर मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस, क्योंकि मैं पहले अलग अलग बना रहा था तो बार बार मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा था चैप्टर का नाम। तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि इस वीडियो में आपको बहुत बार मिले कि ये जो मैंने चैप्टर लिया है ये आपको क्लास 12 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला लिया है, उस पार्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 10 सेकंड 20 सेकंड स्किप कर देना। ठीक है, परेशान मत होना, क्योंकि मैं पहले बता दिया कि ये वीडियो पहले का था, मैं सबको कंपाइल करके डाल रहा हूं। तो आगे देखिए वीडियो। आप सबसे पहले यहां मैंने एक ट्रिक लिखा है, इस ट्रिक को समझो। आपने देखो BSc में GS का XS था, मतलब देखो एक समय के लिए आप समझ लो अभी कि आप अभी ये क्लास 12 में नहीं हो और या नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप मान लो BSc में हो, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हो BSc में। तो BSc में आप हो तो आपका पेपर हुआ, आप एग्जाम देने गए, कौन सा पेपर था आपका, जनरल साइंस का GS का पेपर था, आप एग्जाम देके बाहर निकले। अब आपने दोस्तों को बोलोगे BSc में GS का एग्जाम हार्ड था, BSc में GS का एग्जाम हार्ड था, एग्जाम में मैंने ई नहीं लिया, XAM वाला ये लिया है। ठीक है, तो ऐसे समझना, यहाँ देखो BSc में जनरल साइंस का एग्जाम हार्ड था, ये याद हो गया, BSc में जनरल साइंस का एग्जाम हार्ड था, दो बार बोलोगे याद हो जाएगा। अब यहाँ से तीन साइंटिस्ट के नाम याद हो जाएंगे आपको, एक, ये दो और ये तीन। अब देखो कैसे, BSc बोवेरी एंड सटन, बोवेरी बी, यहाँ पे देखो बोवेरी एंड सटन, यहाँ पे देखो सटन बोवेरी ने क्या दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सी फॉर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये कंप्लीट हो गया BSc का फुल फॉर्म, क्या होगा BSc का फुल फॉर्म, बोवेरी एंड सटन या सटन बोवेरी, जैसे याद कर सकते हो आप, सटन एंड बोवेरी ने क्या दिया था, सी फॉर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। पहला कंप्लीट, देखो जनरल साइंस GS क्या लिखा है, S का नाम मैंने लिया है, स्टर्टिवेंट कैसे याद करोगे, देखो थोड़ा टफ होगा तो S को अलग कर देना, S अलग कर दिया, फिर टर्टल याद होता है टर्टल, तो टर्टी तो ऐसे, और उसके बाद वेंट, इसको तोड़ तोड़ के याद करोगे तो हो जाएगा अल्फ्रेड एस टर्टी वेंट, अल्फ्रेड स्टर्टी वेंट, यहाँ एस मैंने लिखा था साइंस, जनरल साइंस में एस, यही एस का मतलब है, ये स्टर्टी वेंट, ट्रिक में मैंने ये यूज नहीं किया है, आप एक भी याद एक ऐसे भी याद कर सकते हो तो आपको एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये क्या जी लिखा है मैंने, जी मतलब यहाँ पे देखो जी जेनेटिक मैप, इसका फुल फॉर्म कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोजोम। अगर क्वेश्चन में आया कि फर्स्ट जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोजोम कंस्ट्रक्टेड बाय, तो क्या करोगे, स्टर्टी वेंट, अल्फ्रेड स्टर्टी वेंट, कैसे याद करना है, BSc तो याद हो गया, GS, जी फॉर, यही पे देखो जी फॉर, यही जी मैंने लिया है, जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोजोम कंप्लीट हो गया। अब देखो एस फॉर, यही साइंटिस्ट का नाम, ये भी कंप्लीट हो गया, ये दो साइंटिस्ट का नाम याद हो गया ना आपको। ध्यान में रखना कि ये जी का फुल फॉर्म है, जी मैंने जेनेटिक मैप लिया है, तो जी फॉर जेनेटिक मैप, ऐसे याद होगा जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोसोम, इसका मैंने जी लिया है, और एस फॉर साइंटिस्ट का एक बाद वाला नाम लिया है स्टडी वेंट। अब देखो एक्स था, सॉरी एग्जाम हार्ड था, एग्जाम हार्ड था, एक्स और एच, एच से आपको देखो मैंने हैंकिंग, साइंटिस्ट का नाम है ये हैंकिंग, याद हो गया हैंकिंग, अब इनका कंट्रीब्यूशन देखो, डिस्कवर्ड एक्स क्रोमोसोम, इन्होंने डिस्कवर किया था एक्स क्रोमोसोम। अब एक चीज में समझो, एग्जाम में ये भी होता है एक्स बॉडी भी आ सकता है,
तो उसका भी आंसर यही होगा, क्योंकि इन्होंने जो डिस्कवर किया था ना, सबसे पहले एक्स बॉडी डिस्कवर किया था, कि उन्होंने एक स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था तो उन्होंने, और उन स्ट्रक्चर का नाम उन्होंने एक्स बॉडी रख दिया, लेकिन इस स्ट्रक्चर के उन्होंने सिग्निफिकेंस को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है। तो उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, जो कुछ साइंटिस्ट ने इस पे वर्क किया, और वर्क करने के बाद उन्हें पता चला कि इन्होंने जो स्ट्रक्चर पे काम किया था, ये स्ट्रक्चर ही क्रोमोसोम है, तो उसके बाद ही इन्होंने नाम रख दिया एक्स क्रोमोसोम। तो अगर एग्जाम में एक्स बॉडी आया, एक्स क्रोमोसोम आया, तो आंसर यही जाएगा, हैंकिंग, ये ध्यान में रखना, हैंकिंग। तो ये तीनों ट्रिक से याद हो गया कैसे? देखो, बीएससी में जनरल साइंस का एग्जाम हार्ड था। बीएससी मतलब सी फॉर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सटन एंड बोवेरी, सटन एंड बोवेरी। अब यहाँ पे देखो, जीएस, जी फॉर जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोसोम, जी फॉर जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोसोम गिवन बाय अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट, 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 स्टर्टिवेंट और जेनेटिक मैप। एक्स एच एग्जाम हार्ड, एग्जाम हार्ड। एक्स फॉर एक्स क्रोमोसोम या फिर एक्स बॉडी गिवन बाय हैंकिंग। ये तीन तो याद हो गया होगा। अब चौथा देखो, आगे मैंने ट्रिक नहीं दिया है, क्यों? अगर अगर ट्रिक बनाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ट्रिक उतना ही है जितना आप याद कर सको, ज्यादा जबरदस्ती ट्रिक करोगे, ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे तो इजी वाला भी टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखो, मेंडल साहब हमारे सब जानते हैं, हम ग्रेगर जोहान मेंडल को इन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसमें ट्रिक का कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दिया मेंडल, मेंडल ने, अब मेंडल को, मेंडल के वर्क को फिर से रीडिस्कवर्ड किया गया था, तीन साइंटिस्ट ने किए थे, देखो डीवराइज, कॉरेन, और ये देखो यहाँ पे टी साइलेंट है तो इसको पढ़ सकते हो वॉन सैकर मैक, वॉन सैकर मैक, ऐसे पढ़ सकते हो वॉन सैकर मैक। इन्होंने रीडिस्कवर्ड किया था मेंडल वर्क, तो ये ध्यान में रखना। इसका भी, इसके लिए भी ट्रिक नहीं बनाया मैंने, ये आपको याद ही रखना होगा। पहला कि मेंडल, मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, और मेंडल के काम को रीडिस्कवर इस तीन, ये तीन साइंटिस्ट ने किया। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो, टी एस मॉर्गन, टी एस मॉर्गन नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो ध्यान में रखना, सी से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय बीएससी, ये सटन एंड बोवेरी, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट को किसने प्रूफ किया था? टी एस मॉर्गन ने। तो ये आप ध्यान में रखना कि अगर एग्जाम में आए कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, मतलब एक्सपेरिमेंट को किसने प्रूफ किया था, तो आंसर जाएगा टी एस मॉर्गन। और अगर एग्जाम में आया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सिर्फ किसने दिया था, तो सटन एंड वोवेरी। ये क्लियर हो गया? क्लियर कट डिफरेंस याद रखो, टी एस मॉर्गन ने इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किया था, और इन्होंने ये सटन एंड वोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। ये क्लियर कट आपके माइंड में रहना चाहिए। यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी, तो ये लाइन में भी हो सकता है उठा के डायरेक्ट दे सके कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय, तो आंसर जाएगा टी एस मॉर्गन। ये नहीं कि आप सी देख लेना तो बीएससी याद रख लेना सटन पोवेरी, नहीं, वो क्या था, सिर्फ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया है, टी एस मॉर्गन। तो क्लियर हो गया, देखते हैं हम। देखो मैंने एक ट्रिक बनाया, ट्रिक को कैसे याद करना है, ट्रिक को एक स्टोरी समझना है। तो कैसे करना है, जैसे कि आप दो दोस्त हैं, एक ये आप हो, ये आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, ध्यान से देखना ये स्टोरी। दो दोस्त हैं, तो आज आप बहुत खुश हो, खुश हो तो आप बोलते हो भाई चल मूवी देखने हैं, एच डी मूवी, हाई डेफिनेशन मूवी, एच डी मूवी देखने चल। तो आप क्या बोलोगे अपने दोस्त को कि भाई एच डी मूवी देखने चल, बोल रहे हो एच डी मूवी देखने के लिए, बोलोगे एच डी मूवी देखने के लिए, उसके बाद बोलोगे कि मूवी देखने के बाद फिर सीसीडी भी चलेंगे कुछ खाने के लिए। हम होता है ना कि पहले हम मूवी देखेंगे उसके बाद फिर खाने के लिए चलेंगे सीसीडी। तो इस बंदे ने, मतलब कि आपके फ्रेंड ने मना कर दिया कि नहीं यार मैं नहीं जा रहा, ठीक है, तो अब तब आप, आपको बुरा लग गया या फिर आप समझो कि आपको गुस्सा आ गया, तो अब ये बोलता है, मतलब कि आप बोलोगे इससे, नहीं समझ में आया, फिर से बताता हूँ। ये देखो ए, ये बी, ये ए है और ये आप हो और ये आपका दोस्त है, इतना तो क्लियर हुआ। अब आप बहुत खुश हो तो आज इसको बोलोगे कि भाई चल मूवी देखने एच डी मूवी, ये यहाँ पे ये टर्म याद रखना, एच डी मूवी देखेगा ये एच डी वाला, और उसके बाद मूवी देखने के बाद खाने भी जाएंगे कुछ सीसीडी में, कैफ कॉफी डे खाने जाएंगे। तो ये मना कर दिया तो इसे गुस्सा आ गया, तो अब ये बोलता है मैंने मेरे साथ, ये बोल रहा है मैंने मेरे साथ एच डी मूवी और सीसीडी जाने के लिए तुझे बोला लेकिन तुमने मना कर दिया,
तो फिर ये क्या बोलेगा, ये बहुत फेमस सॉन्ग है अभी, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, समझ में आया? आप बोलोगे अपने दोस्त को कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि तेरा घाटा इसलिए हुआ क्योंकि आप इसे पार्टी दे रहे थे कि मूवी भी दिखाओगे और सीसीडी भी लेके जाओगे, बट उसने मना कर दिया। तो यही ट्रिक है, मैंने मेरे साथ, मैंने में एम एन, ये देखो ये मैंने में एम एन यूज होगा, ये समझ में आ रहा ना? इसका मतलब मैंने में एम एन होगा, मैंने मेरे साथ। एच डी मूवी आपको बता ही दिया मैंने, और क्या है, मूवी देखने के बाद सीसीडी भी ले जाते, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर आप क्या बोलोगे, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो फुल फॉर्म, एफ फॉर, सॉरी एम फॉर निसर, MESCHER, न्यूक्लीन, इसने न्यूक्लीन को डिस्कवर किया था। ये एनसीईआरटी में याद कर लेना, हो सकता है एनसीईआरटी ये एग्जाम में पूछे जाए। देखो मैसलसन एनस्टाल, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय मैसलसन एनस्टाल। ये भी हो गया। थर्ड देखो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट क्या दिया था, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, किसने प्रूव किया था, हर्शी एंड चेज। नेक्स्ट देखो ये, अब फुल फॉर्म बताता हूँ, इसमें मैंने ट्रिक क्या यूज किया था, मैंने एम एन यूज हुआ, एम फॉर मिसर, एन फॉर न्यूक्लिन, मिसर मिसर ही बोलो आप जैसे भी बोल सकते हो इसका प्रोनाउंसिएशन, मिसर, मैं तो एफ मिसर बोलता हूँ, मिस मिसर मिस्टर, एफ मिस्टर। मैसलसन एस्टाल, एम एस मेरे साथ, एम फॉर मैसलसन, जब भी मैसलसन आएगा स्टाल याद हो ही जाएगा, तो बस एक ही वर्ड याद रखो मैसलसन। नेक्स्ट देखो सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एस फॉर, नेक्स्ट एच फॉर हर्सी, हर्सी जब भी होगा हर्सी एंड चेज एक ही साथ आता है, तो आप थ्योरी क्लास में इतना नाम सुनोगे तो आपको याद हो ही जाएगा, मेन आपको ये याद रखना, एच हाई डेफिनेशन, एच डी हर्सी एंड चेज क्या करेगा, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, यही डिस्कवर किया। नेक्स्ट सेंट्रल डोगमा, क्रिक, एक साइंटिस्ट आता ना वाटसन एंड क्रिक, बट ध्यान रखना ये सेंट्रल डोगमा सिर्फ क्रिक ने दिया था, यहाँ समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो ग्रिफिथ, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तेरा, इसका ट्रिक क्या था, तेरा घाटा, समझ में आ गया क्या क्या मैंने बोला। अब फुल फॉर्म देखो, मैंने एफ मिसर एन फॉर न्यूक्लियन डिस्कवर किया, ये कंप्लीट। मेरे साथ एम फॉर मैसलसन एस्टाल, एस फॉर सेमी कंजर्वेटिव, यहां देखो रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए हुआ। एच डी हर्शी एंड चेज क्या किया, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट सीसीडी, ये क्या सीसीडी मतलब सेंट्रल डोगमा, ये हुआ किसने किया, क्रिक ने, इतना कम ने? तेरा घाटा, जी फॉर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ये ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने क्या दिया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैंने क्या बनाया, तो इस ट्रिक को समझो आप, एक मैंने ट्रिक लिया है उसका समझो कैसे करना है। इसमें सास और बहू की स्टोरी होगा, एक सास है, ये मान लो सासू माँ, और एक बहू है इनकी। सासू माँ ना बहू को हमेशा इरिटेट करती रहती है अपने फनी जोक सुना सुना के, यहां ध्यान में रखना, फनी जोक आ गया, फनी जोक सुना सुना के, फनी जोक कौन सुनाता था, कौन सुनाता है, सासू माँ, किसको, बहू, अपनी बहू को, और बहू बेचारी पक गई, परेशान हो गई, बहू BA, बहू BAHU लिखाएगा, यहां समझ में आया। अब देखो सास, SSS सास, ये टर्म इतना यूज हो गया, तो बेचारी ना वो परेशान होगी अपनी सासू माँ से, तो उन्होंने सोचा कि उसे जेल भिजवाएंगी और जेल में जाके दे देंगी। तो देखो क्या किया, अब ये बहू थी और ये सासू माँ थी, तो अब क्या किया, यही ध्यान में रखना है, बहू ने सास को जेल में फिक्स करवा दिया, बहू ने सास को जेल में फिक्स करवा, क्यों, क्योंकि वो फनी जोक मारती रहती थी, जिसके कारण वो परेशान थी। तो क्या क्या याद रखना है, बहू ने, बहू याद रखना, बहू मतलब BA इसका टर्म यूज होगा, सास एस सास, सासू माँ इसकी जेल में क्या करवाया, फिक्स कर दिया, बहू ने सास को जेल में फिक्स कर दिया बिकॉज ऑफ हर फनी जोक, फनी जोक बहू ने, देखो दो बार आप इसे लिख लेना, एक बार याद कर लेना, याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा, बहू ने सास को जेल में फिक्स किया, 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 क्यों किया, बिकॉज ऑफ फनी जोक।
तो यहाँ पे क्या क्या यूज होगा ट्रिक्स हमारा, देखो आगे, बहू ने नहीं होगा, सास को जेल में, जेल होगा फिक्स किया, और फनी जो, तो चलिए देखते हैं फुल फॉर्म, बहू मैंने, और मैं एक जब साइंटिस्ट का एक नाम बताऊंगा ना, कि इसे समझ लेना ये, क्योंकि अगर आप इसके थ्योरी लेक्चर पढ़ोगे तो ये साइंटिस्ट के नाम सुनोगे आपको याद हो जाएगा। तो मेन मोटो कि आपको मैं लर्न करवाऊंगा कि कैसे आप इजीली याद कर सकते हो। तो देखो ये फर्स्ट में मैंने बहू क्यों लिखा, बी फॉर क्या होता है, बी फॉर बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। देखो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था, ग्रिफिथ ने दिया था, तेरा घाटा इससे पहले वाला वीडियो मैंने बनाया था। अब इसके बायोकेमिकल नेचर को किसने दिया था, तो देखो बहू, बी से बायोकेमिकल नेचर, ए फॉर ये देखो एवेरी, और जब भी ये एवेरी आएगा तो इसके साथ दो साइंटिस्ट हमेशा नाम आता है, एवेरी, मैकलियोड और मैकार्टी। कंप्लीट हो गया बहू ने, अब क्या किया सास, बहू ने खत्म, अब सास को, सास को ये वाला आप, ये वाला आपको पेज नंबर 119 में मिल जाएगा। तो देखो सास को एस फॉर सेंगर, सेंगर हो गया सास का सेंगर। अब ये आस यहाँ है, मतलब एमाइनो एसिड के सिक्वेंस इन प्रोटीन को बताया, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एमाइनो एसिड सिक्वेंस। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि ये डिटर्मिनेशन ऑफ एमाइनो एसिड ये सीक्वेंस इन प्रोटीन किसने दिया था, तो सेंगर आएगा, सास सेंगर एमाइनो एसिड का सीक्वेंस दिया था इन प्रोटीन में। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटीन किससे बना रहता है, बहुत सारे एमाइनो एसिड से बना रहता है। ये मान लो एमाइनो एसिड है, ये एमाइनो एसिड है, ये एमाइनो एसिड है, ये एमाइनो एसिड है, और ये मिलके क्या बन जाता है, प्रोटीन, ऐसे ही बनता है ना। अब देखो बहू ने सास को क्या करवाया, जेल ले गई, जेल फॉर देखो एल फॉर लैक ऑफ एरॉन, लैक ऑफ एरॉन को डिस्कवर किसने, जैकॉब, और जब भी आएगा जैकॉब एंड मोनाड अपने याद हो जाएगा, तो आप सिर्फ जैकॉब याद रखो, जेल JAIL, जैकॉब एंड मोनाड ने क्या दिया था, लैक ऑफ एरॉन, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो मैं फिक्स किया, फिक्स फिक्स में ये देखो पहला साइंटिस्ट का नाम एफ से है, फ्रैंकलिन। मैंने सारे ट्रिक में एक ही साइंटिस्ट का ये नाम यूज किया, क्यों, क्योंकि अगर एक साइंटिस्ट का नाम याद हो जाएगा तो आपको उसके साथ, क्योंकि आप ये थ्योरी क्लास में इसके नाम सुनोगे, जिसके कारण अगर एक साइंटिस्ट का नाम याद हो गया तो आपको दूसरा साइंटिस्ट अपने आप नाम याद हो जाएगा, ठीक। इसलिए मैंने हमेशा एक ही साइंटिस्ट यूज किया, जैसे जेकब जैकब एंड मोनाड में सिर्फ जैकब, एवेरी मैकलियोड मैकार्टी में सिर्फ एवेरी, समझ में आ रहा है, ऐसे फ्रैंकलिन एंड विल्किन में ये याद रखना, फिक्स एफ फॉर फ्रैंकलिन, और एक्स एक्स मतलब देखो एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा इमेज प्रोड्यूस किया था इन्होंने, या फिर क्वेश्चन में आया कि वॉटसन क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था उसमें हेल्प किसने किया था, इसने किया था, फ्रैंकलिन एंड विल्किन, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो ये हो गया जेल में फिक्स किया, यहाँ पे क्या था, बहू पहला हो गया, बहू ने सास को, ये सास को मां वाला हो गया, ये जेल में क्या किया, फिक्स किया, क्यों किया, बिकॉज ऑफ हर फनी जोक, फनी जोक, एफ फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग, फिंगरप्रिंटिंग एफ फॉर फनी फिंगरप्रिंटिंग जो जेफरी, अलग जेफरी, ये भी NCERT में याद हो गया। यहाँ देखो एक बार फिर से लास्ट में BA, ये क्या है, बहू ने सास को जेल में फिक्स किया बिकॉज ऑफ हर फनी जो, ए फॉर एवेरी मैकलियर्ड एंड मैकार्टी, साइंटिस्ट का नाम याद रखना, और बी फॉर क्या उन्होंने दिया था, यहाँ देखो बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, एस फॉर सेंगर, इसने क्या बताया था, एमाइनो एसिड का सिक्वेंस इन प्रोटीन। अब देखो जे फॉर जैकॉब एंड मोनाड, इसने एल से लैक ऑपेरन दिया था, एफ से देखो फिक्स, फ्रैंकलिन एंड विल्किन ने क्या किया था, एक्सरे, एक्स मतलब एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा इमेज प्रोड्यूस किया था, एफ जे DNA फिंगरप्रिंटिंग, किसने दिया था, जेफरी ने, अलग जेफरी ने, याद हो गया। दो साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये जो टॉपिक मैंने लिया ये आपको क्लास 12 के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में मिल जाएगा, तो ऐसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नीट में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और स्पेशली क्लास 12 के स्टूडेंट जो इस पर बोर्ड एग्जाम देंगे, हो सकता है कि आपको 3 मार्क्स 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड बताएं। वैसे मैंने NCERT में 5-6 पॉइंट दिया हुआ है, तो किसी किसी को होता है कि याद नहीं होता कि मेन पॉइंट क्या है, उसमें मैंने एक एक वर्ड को अलग किया, उस वर्ड को अगर आपको याद हो जाएगा तो उससे आप पूरा पॉइंट बता सकते हो। तो कैसे याद रखना है, तो आपको हमें सबको पता रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो जब भी एडमिशन होती है तो आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ इतना गया, इसका कट ऑफ इतना गया, तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी को हम क्या बोलते हैं, DU बोलते हैं। तो कैसे याद रखना है, आज के बाद से DU का कट ऑफ आपको क्या याद रखना है कि ये फीचर्स हैं जेनेटिक कोड का, जेनेटिक कोड का फीचर क्या है, DU का कट ऑफ, DU का कट ऑफ, जहां के ऑफ मैंने ऐसे ही ऐड किया है, आपको क्या याद रखना है, DU कट, कट ऑफ, ऑफ ऐसे ही ऐड है, DU कट याद रखना है, D फॉर डीजेनरेसी, U फॉर अनएम्बिजियस,
सी फॉर कॉमनलेस, यू से यूनिवर्सल, टी से ट्रिपलेट, डी से डीजेनरेसी, यू से अनएम्बिजियस जो बोलना है आपको, ठीक है, जी यू ओ यू एस एस, सी से कॉमनलेस, यू से यूनिवर्सल, टी से ट्रिपलेट। तो याद रखना आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ, दिल्ली यूनिवर्सिटी सी यू टी कट। अब देखते हैं कि क्या होता है डीजेनरेसी में। देखो क्या लिखा है मैंने कि वन अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। समझ में नहीं आया, एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे कि मैंने वन अमीनो एसिड यहां लिखा, तो मैंने एक एग्जांपल लिया, एक कोई अमीनो एसिड लिखा जैसे कि फिनाइलालानिन। तो ये क्या है, और उसके बाद क्या लिखा है मैंने कि कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। तो जैसे कि ये फिनाइलालानिन है, ये कोड होगा किसी एक से ज्यादा कोडॉन से। तो इसमें मैंने कौन सा एक से ज्यादा कोडॉन लिखा है, एक यूयूयू और एक यूयूजी। ये क्या हुआ, ये दो कोडॉन है, मतलब क्या है कि एक से ज्यादा कोडॉन हुआ ना, इसका मतलब यही है कि वन अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। एग्जांपल जैसे कि फिनाइल एलानिन इज कोडेड बाय यूयूयू एंड यूयूजी। कंप्लीट। अब देखते हैं अनएम्बिजियस। तो अनएम्बिजियस में मैंने क्या लिखा है, देखो वन कोडॉन कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। जैसे कि मान लो कोई भी एक्स 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 कोडॉन हुआ, कोई भी मान लो, लेटेस्ट सपोज, ये कोड क्या करेगा फॉर ओनली वन अमीनो एसिड के लिए। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि जैसे कि एक कोडॉन मैंने ले लिया जी यू जी, अगर ये एक्सेप्शन नहीं होता तो ये कोड करता कोई एक अमीनो एसिड में, बट यहाँ पे ये जी यू जी जो है ये कोड कर रहा है फॉर टू अमीनो एसिड। टू कौन कौन सा, एक वैलिन है और एक मिथ्योनिन है। जो वैलिन है ये मोस्टली करेंगे और ये मिथ्योनिन रेयरली। अगर ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ये एक कोडॉन है और ये कोड कर रहे हैं एक से ज्यादा अमीनो एसिड को, इसलिए ये एक्सेप्शन हुआ। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वन कोडॉन कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। तो कोई जैसे कोई एक्स 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 कोई भी कोडॉन ले लो, उसे कोड करेगा फॉर ओनली एक अमीनो एसिड। जैसे कि मैंने मान लो यू 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 लिया, तो ये एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, फिनाइल एलानिन को वन। लेकिन इसका एक्सेप्शन है जैसे कि जी यू जी, ये दो को कर रहा है वैलिन मिथ्योनिन, ये एक्सेप्शन है, एग्जाम्पल नहीं है, एक्सेप्शन है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ जो आगे मैंने बताया ये एग्जाम्पल बताया और ये मैं एक्सेप्शन बता रहा हूँ। नेक्स्ट है कॉमनलेस। तो कॉमनलेस देखो 5' से 3' मैंने लिखा है, तो ये क्या ए यू जी, इसमें कॉमन नहीं है, ये क्या होते हैं कॉमनलेस होते हैं। फिर है ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल में मैंने देखो क्या लिखा कि सेम टाइप ऑफ जेनेटिक कोड आर प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर चाहे वो ह्यूमन हो, सेम टाइप ऑफ जेनेटिक कोड प्रेजेंट होंगे सब में। जैसे कि मान लो एग्जांपल यू 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 हुआ, ये जो जेनेटिक कोड होगा कोड करेगा फिनाइल एलालिन को, तो ये बैक्टीरिया में भी सेम होगा, ह्यूमन में भी सेम होगा, इसलिए जेनेटिक कोड जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, समझे। अब देखो ट्रिपलेट वन कोडॉन इज मेड अप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस। जैसे कि कोई भी होगा यू 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 ए जी जी यू जी, क्या हुआ 1 2 3 1 2, ये ट्रिपलेट हुआ। ये तो ऐसा सबसे पहले आता, आप जब लिखोगे सबसे पहले लिखना, मुझे ट्रिक को फॉर्म करना था इसलिए मैंने इसे सबसे लास्ट में लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो कोडॉन होते हैं वो मेड अप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस, ये क्या होता है ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। तो कैसे याद रखना है आपको, डी यू कट ऑफ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ डी यू कट, डी से डीजेनरेसी, यू से अनएम्बिजियस, सी से कॉमनलेस, टी से ट्रिपलेट। तो ये क्या होते हैं साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये जो टॉपिक लिया ये मैंने क्लास 12 के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से लिया है। तो देखो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि ये जो सीरीज मेरा चल रहा है ये ट्रिक्स का सीरीज है। तो जी हाँ, ये एक ट्रिक का सीरीज है और इसमें भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जैसे एनसीईआरटी में देखो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं इसके स्टेप्स, तो वही मैं आपको कोशिश किया हूँ इस वीडियो में कि आपको याद करवा सकूँ, और इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें सिर्फ मैंने कोशिश की आप लोगों के सारे पॉइंट्स आपको याद करवाऊं, क्योंकि मेन पॉइंट ये है और इसमें नीट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि अगर मान लो अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि अगर उसका करेक्ट स्टेप बताओ, ये सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ऐसे करके क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जा सके, ठीक है। इसलिए आपको एग्जैक्ट याद रहना चाहिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो वही आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा सारे उसके स्टेप। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये एक ट्रिक का ही सीरीज है और इसमें मैं ट्रिक ही बता रहा हूँ। तो ट्रिक कैसे याद रखते हैं, चलिए देखते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको एक चीज याद रखना है कि देखो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आप क्यों पढ़ रहे हो, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हो, आपकी एक कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपकी कोई फ्रेंड है वो लड़की है, लड़की को मानो, लड़की कोई फ्रेंड है उसका नाम डीएस है, डीएस कोई फ्रेंड हो सकती है,
मैंने यहाँ पे दीपिका सिंह को लिया है, क्या लिया है, दीपिका सिंह, कोई भी फ्रेंड आप लग सकते, दीपा कुछ भी, डी से कोई भी नाम ले लो, दीपा सिंह। तो मान लो आपके कोई दीपा सिंह है, वो बिहार की है, ठीक है, और वो और बिहार की है वो, और उसने एग्जाम दिया और पास हो गई, लेकिन उसे जो मेडिकल कॉलेज मिला वो हरिद्वार में मिला। तो अब वो बिहार से हरिद्वार जाएगी डॉक्टर बनने, अगर उसे डॉक्टर बनना है, उसने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, तो वो तो बिहार की है, लेकिन लेकिन उसे कॉलेज कहाँ का मिला, हरिद्वार का मिला। सपोज करने मैं बोल रहा हूँ कि मान लो हाइपोथेटिकल, आपको मानना है कि उसे कहाँ मिला, बिहार में, सॉरी बिहार से उसे हरिद्वार में मिला, तो आप क्या बोलोगे अपने दोस्त को, आई दीपिका सिंह बिहार से हरिद्वार डॉक्टर बनने, क्या याद रखना है आपको, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जब भी रहेगा, आई दीपिका सिंह बिहार से हरिद्वार डॉक्टर बनने, आई दीपिका सिंह बिहार से ऐसे ऐड है हरिद्वार डॉक्टर बनने, ऐसे ऐड है, आई दीपिका सिंह बिहार से हरिद्वार डॉक्टर बनने, आई दीपिका सिंह बिहार से हरिद्वार डॉक्टर बनने, आई दीपिका सिंह बिहार से हरिद्वार डॉक्टर बने। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि आपके साथ मेरे साथ साथ आपको याद हो जाए। तो आई फॉर आइसोलेशन, तो सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डी फॉर डाइजेशन, फिर क्या करेंगे, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, फिर एस एस फॉर सेपरेशन। देखो मैन मैं इसलिए याद कर रहा हूँ कि अगर आई याद रहेगा आपको, पहला तो याद रखना है आई दीपिका सिंह बिहार से, आई दीपिका सिंह बिहार से हरिद्वार डॉक्टर बने, आई से आपको याद रखना आइसोलेशन, डी से याद रखना आपको डाइजेशन, एस से याद रखना सेपरेशन, बी से याद रखना आपको ब्लॉटिंग, एच से याद रखना आपको हाइब्रिडाइजेशन, डी से याद रखना डिटेक्शन। अगर आपको आइसोलेशन, डाइजेशन, सेपरेशन, ब्लॉटिंग, हाइब्रिडाइजेशन और डिटेक्शन, ये दो बार डी है, पहला डी डाइजेशन होगा और दूसरा डी डिटेक्शन होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको आइसोलेशन, डाइजेशन, सेपरेशन, ब्लॉटिंग, हाइब्रिडाइजेशन, डिटेक्शन ये याद होगा तो आप इसके हेल्प से पूरा लाइन को याद कर सकते हो, कैसे, कि आई दीपिका सिंह बिहार से हरिद्वार डॉक्टर बनने, आई दीपिका सिंह बिहार हरिद्वार डॉक्टर बनने, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डी फॉर डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, एस फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, बी से ब्लॉटिंग, एनसीईआरटी में यहाँ पहले स्टार्टिंग है ट्रांसफरिंग और ब्रैकेट में दिया हुआ है ब्लॉटिंग, जिसे हम ब्लॉटिंग टेक्निक बोलते हैं, तो बी से आपको क्या याद रखना है, ब्लॉटिंग। तो ब्लॉटिंग में क्या है? लिखना है कि ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइलॉन। अब फिर एच से क्या याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रो, डी फॉर डिटेक्शन, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा, जाते जाते एक बार और देख लेते हैं, आई दीपिका सिंह, आई दीपिका सिंह बिहार से कहाँ गई, हरिद्वार डॉक्टर बनने, आई दीपिका सिंह बिहार से हरिद्वार डॉक्टर बनने, आई फॉर आइसोलेशन, डी फॉर डाइजेशन, एस फॉर सेपरेशन, बी फॉर ब्लॉटिंग, एच फॉर हाइब्रिडाइजेशन, डी फॉर डिटेक्शन, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर मॉलिक्यूल टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो देखो ये जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया ये आपको क्लास 12 के पेज नंबर 103 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर मिलेगा। तो ये जैसे कि लिखा हुआ है ना इसमें, अ मॉलिक्यूल डेट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। देखो ये तो एक तो है कि अगर आपको क्लास 12 में हो, आपको बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, तो आपको एग्जैक्ट याद रखना होना हो मतलब याद रखना पड़ेगा 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट में मेन जो वर्ड है उसको मैंने उठाया है और एक यहाँ पे ट्रिक बनाया। अगर आपको ये ट्रिक याद रह जाएगा तो ट्रिक से आपको एक वर्ड याद हो जाएगा, और अगर आपको एक वर्ड याद हो गया तो आप पूरे पूरे लाइन को याद कर सकते हो, जैसे कि ये चारों लाइन है। तो क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है नीट में भी आ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी या नीट में कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। एक एसआरएम यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, आपको हमें सबको पता होगा। मान लो आपने एडमिशन ले लिया, ऐसे ही मान लो, तो आपने एडमिशन ले लिया, तो आप जाओगे तो आप क्या बोलोगे, मैं चला एसआरएम, मैं चला एक साथ है, मैं चला एसआरएम, मैं चला से आपको याद रखना मेंटेलियन कैरेक्टर, एस से याद रखना आपको स्टेबल, आर से याद रखना रेप्लिकेशन, एम से याद रखना म्यूटेशन, बस जैसे बता रहा हूँ वैसे याद रखना है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या याद रखना है, मैं चला एस आर एम, मैं चला मतलब मेंडेलियन कैरेक्टर, एस फॉर स्टेबल, आर फॉर रेप्लिकेशन, एम फॉर म्यूटेशन, ये हो गया। अब पूरा पूरा पढ़ते हैं, पहला ये रेप्लिकेशन ये याद रखना है, स्टेबल, म्यूटेशन, मेंडेलियन कैरेक्टर, एमसी, मैं चला एस आर एम, ये याद हो गया। अगर आपको मैं चला तो पढ़ो, इट्स शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, रेप्लिकेशन याद है तो ये पूरे लाइन को याद कर सकते हो,
स्टेबल अगर याद है तो इट्स शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। अगर आपको उसके बाद अगर म्यूटेशन याद है तो आप ये लिख सकते हो इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। फिर अगर आपको मेंडेलियन कैरेक्टर याद रहेगा वर्ड तो इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। एक बार और देखते हैं, आप देखो मैं चला SRM, मेंडल कैरेक्टर से आपको ये पूरा याद रखना होगा, स्टेबल से आपको ये याद रखना होगा, रेप्लिकेशन से पूरे इस लाइन को याद कर सकते हो और म्यूटेशन से इस लाइन को याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये गोल्स ऑफ SGP का पॉइंट याद करवाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप इजिली से याद कर लो। तो देखो पूरा लाइन का ट्रिक तो नहीं बन सकता है, तो एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको मैं उठाता हूँ और उसे ट्रिक बनाता हूँ। उससे क्या होता है कि अगर इंपॉर्टेंट वर्ड आपको याद हो जाए ना तो उस वर्ड के थ्रू आपको पूरा लाइन याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे है। तो गोल्स ऑफ SGP, तो ID सीता, सीता जानते हो आप लोगों ने रामायण में भी देखा होगा, राम सीता या सीता बहुत कॉमन नाम भी होता है। तो सीता SITA, सीता ID, ID जानते हो आप लोग कॉलेज में स्कूल में जहाँ पे हो, स्कूल में ही हो गए 11th 12th में अगर हो गए तो स्कूल में आप लोग ID कार्ड होता होगा। तो कोई मान लो आपके क्लासमेट है सीता नाम की, तो सीता नाम है कोई है उसका ID कार्ड से आपको याद रखना ID सीता ID, तो आपको ID सीता याद रखना। तो I से याद रखना है आपको आइडेंटिफाई, D से याद रखना है आपको डिटरमाइन, S से याद रखना है आपको स्टोर, I से याद रखना है आपको इम्प्रूव, T से आपको याद रखना है T से आप याद रखना है आपको ट्रांसफर, और A से याद रखना है आपको एड्रेस। आइडेंटिफाई, डिटरमाइन, स्टोर, इम्प्रूव, ट्रांसफर, एड्रेस, ये देख लिए। तो आपको आइडेंटिफाई अगर याद होगा तो आपको अगर एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। क्या है, सबसे पहला है कि आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 टू 25,000 जीन्स इन ह्यूमन DNA। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ IDSITA, ID सीता, IDSITA सीता, आइडेंटिफाई, ठीक है, इसके बुक के आगे लिख लेना है इसे ID सीता, I फॉर आइडेंटिफाई, D फॉर डिटरमाइन, S फॉर स्टोर, I फॉर इम्प्रूव, T फॉर ट्रांसफर, A फॉर एड्रेस। इतना याद हो गया, एक बार पढ़ लेना। आइडेंटिफाई वाला से ये पूरा लाइन पढ़ लोगे, डिटरमाइन से ये पूरा लाइन पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। फिर स्टोर से स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन इन डाटाबेस, इम्प्रूव से याद रखना आपको इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज। तो देखो मैंने पहले बताया कि ये जो सीरीज है ये ट्रिक्स का ही है, कि इसमें मैं सिर्फ आपको याद ही करवा रहा हूँ, इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। एक बार जाते जाते फिर से देखते हैं, आई डी सीता, IDSITA, आई से आइडेंटिफाई, डी से डिटरमाइन, एस से स्टोर, आई से इम्प्रूव, टी से ट्रांसफर, ए से एड्रेस। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।